हेलो व्यूअर्स एंड वर्ल्ड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे प्रूफ ऑफ हीरोंस फॉर्मूला। जैसे कि आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रूट ऑफ एस एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड्स क्या है, ए बी सी। तो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बी सी पर, तो जिसकी हाइट क्या है एच। अब जैसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बीसी को उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिस करके मैंने इस बीडी को एक्स मान लिया और डीसी को मैंने क्या मान लिया, बी माइनस एक्स। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से जो हमारा ट्रायंगल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिस करके हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करेंगे और विद दी हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए डी बी, अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो आपका बनेगा एच का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो आपकी निकलेगी ए स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर। तो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आपकी बनेगी रूट में ए स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर। सेकेंड ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर है सी का स्क्वायर। यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू बी एक्स बराबर है सी स्क्वायर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर को हम यहाँ पर पुट अप करेंगे तो आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर माइनस टू बी एक्स बराबर है सी स्क्वायर के। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपका बन गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ टू बी एक्स बराबर है सी स्क्वायर। यहाँ से मैंने टू बी एक्स की वैल्यू निकाली तो माइनस टू बी एक्स को मैं राइट हैंड साइड लेके गया तो आपका बन गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड मूव किया। टू बी यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड, तो आपका बनेगा एक्स बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू बी। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ एस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर पुट अप करूँगा तो आपका पैटर्न बनेगा रूट ऑफ एस ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू बी। अब यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट नहीं, तो रूट को रिमूव करने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप करोगे ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आप लिखोगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन टू बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर होगा फोर बी स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर को वहाँ पॉजिटिव बनाया तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन फोर बी का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ और बाय टेकिंग एलसीएम तो आपका बनेगा ए स्क्वायर बराबर है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय फोर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टू ए बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय फोर बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका पैटर्न बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपका बन गया टू ए बी माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय तो ए स्क्वायर बराबर ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो आपका बनेगा टू ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय फोर बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर एज इट इज, अगर मैं इसको माइनस कॉमन लूँ तो आपका बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी, यहाँ पर आपका बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय 4b का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पर आपका बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं c माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b, c प्लस a माइनस ऑफ b। यहाँ पर भी आपका फर्दर पैटर्न बन रहा है a प्लस b माइनस ऑफ c, a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाय 4b का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है वहाँ पर नॉर्मल, तो h की वैल्यू क्या बन गई, रूट ऑफ c माइनस ऑफ a प्लस b, c प्लस a माइनस ऑफ b, a प्लस b माइनस ऑफ c, a प्लस b प्लस c। 4b का स्क्वायर का रूट करोगे तो आपका बन जाएगा 2b, तो ये आपकी बन गई h की वैल्यू। तो इसको हम मार्क कर लेंगे सेकंड इक्वेशन। अभी आपने h की वैल्यू निकाली दिस। अगर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूँ ए बी सी, वो आपका बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू आपको दे रखी है बी और हाइट आपको निकली एच। एच की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा हाफ इंटू बी इंटू रूट सी प्लस बी माइनस ऑफ ए, ए प्लस सी माइनस ऑफ बी, ए प्लस बी माइनस ऑफ सी, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2b। बी से बी कैंसिल आउट, तो ये आपका बन गया 1/4 रूट बी प्लस सी माइनस ऑफ ए, ए प्लस सी माइनस ऑफ बी, ए प्लस बी माइनस ऑफ सी, ए प्लस बी प्लस सी। अभी हम इसको अभी एज इट इज यहीं रहने देंगे। अभी हम इसकी पैटर्न की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है कि s क्या होता है, हमारा सेमी पैरामीटर, और ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। टू यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या बन गई, 2s। इस पैटर्न की वैल्यू तो आपकी ये बन गई। अब यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे a प्लस बी का पैटर्न, तो ये आपका बन गया 2s माइनस ऑफ c। सेकेंड पैटर्न निकालेंगे a प्लस सी, वो आपका बनेगा 2s माइनस ऑफ b। और अगर आप b प्लस सी निकालोगे तो वो आपका निकलेगा 2s माइनस ऑफ a। अब इन्हीं पैटर्न्स को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा 1/4 रूट b प्लस सी की वैल्यू आपकी बनी 2s माइनस ऑफ a, तो 2s माइनस ऑफ a माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 2a, ये आपका बन गया 2s माइनस 2b, 2s माइनस ऑफ 2c, और यहाँ पर आपका बन गया 2s। अगर आप ध्यान से देखो तो सबका 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन अगर लेंगे तो 2 आपका एज इट इज़ है। इसमें से 2 कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन लिया, यहाँ पर आपका बन गया s, s माइनस ऑफ a, s माइनस ऑफ b, s माइनस ऑफ c। दो दो के अगर पेयर बनाएंगे तो आपके बाहर आएंगे, तो आपका बन गया 4/4 रूट s, s माइनस ऑफ a, s माइनस ऑफ b, s माइनस ऑफ c। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपका फाइनल बन गया s, s माइनस ऑफ a, s माइनस ऑफ b, s माइनस ऑफ c। तो ये था एक आपका इजी स्टेप बाय स्टेप प्रूफ ऑफ हीरोज़ फॉर्मूला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।